Hi guys, welcome to your third part of your 41st Java tutorial in Hindi by TechnoSesh. इस वीडियो में हम सीखेंगे एक generic methods of wildcard arguments को. Basically हमारे पिछले दो वीडियो में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक example 2 नाम का एक क्लास बनाया जिसके अंदर main method था. उसके अंदर हमने तीन integer variables को declare किया था और हमने इसको initialize भी किया values के साथ. हमने stats नाम का एक generic class का object बनाया है और उसको भी हमने तीन बार बनाया है. और उसके क्योंकि उसके पास एक कंस्ट्रक्टर था इसलिए हमने एक जो भी हमने अरे बनाया उसको भी हमने पास किया है. बाद में हमने डबल का तीन वेरिएबल्स भी हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है हमने एवरेज मेथड का वैल्यू के साथ. एवरेज मेथड बेसिकली आपका अरे का एलिमेंट्स का एवरेज काउंट करके पास करता है. ठीक है, तो उसके बाद हमने एक और मेथड यूज किया जिसका नाम है सेम एवरेज. बेसिकली ये दो एवरेज को हम कंपेयर करता है और रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू. ठीक है, और हम अभी डिफाइन करने वाले हैं कि उस एवरेज सेम एवरेज के अंदर क्या होने वाला है. यहां पे देखिए सेम एवरेज बुलियन सेम एवरेज को मैं थोड़ा सा इसका स्पेसिंग में थोड़ा सा सही करता हूं. ठीक है, अब थोड़ा सा और सही लग रहा है मुझे. आपको कैसे लग रहा है मुझे नहीं पता. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. इफ एवरेज जो होगा करंट एवरेज का वैल्यू इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट एवरेज तब रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बेसिकली हम इसके अंदर पास करने वाले ऑब्जेक्ट जो करंट एवरेज है वो होगा इसका आईओबी का, और उसको हम कंपेयर करवा रहे हैं जिसके जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया है डीओबी, तो डीओबी को हम पास करके कंपेयर करवाएंगे और अगर सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स. ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है. तो मैं इसको जल्दी सेव करता हूँ और इसको मैं चला के देखता हूँ कि क्या हो रहा है. और मेरे पास है चार एरर. देखते हैं चार एरर क्यों आया है. मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक्स. तो सबसे पहला वाला है मेरा 31st लाइन में. तो चलते हैं 31st लाइन में. प्यार आई एन प्रिटन लाइन नहीं है, प्रिंट लाइन है. ठीक है, अब दूसरा कहाँ पे है, 36 पे. 36 फिर से मैंने शायद इसको कॉपी किया था और मैंने गलत कॉपी किया था. तीसरा कहाँ पे है मेरा है 45th वाला शायद. नहीं 45th नहीं हुआ, 45th प्रिंट लाइन 47th में मैंने सही किया. और आखिरी वाला है 51st पे. सॉरी मैं आपको बोर कर रहा हूँ इसके साथ, पर एरर्स को भी ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है. ठीक है, तो मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ तब कोई एरर नहीं है. मेरा और प्रिंटलिन के साथ पता नहीं कुछ बुरा रिलेशनशिप है. इसको सही करने का काफ़ी कोशिश भी कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बकवास कम और काम पे वापस. एग्जाम्पल 2 और देखिए. सबसे पहले हमने एवरेज को कंपेयर किया है 3.0 मतलब इंटीजर वाला एवरेज को हमने डीओबी से कंपेयर किया. तब हमें पता है कि वो डिफरेंट है क्योंकि डबल का अंदर वैल्यू अलग है और इंटीजर के अंदर भी वैल्यू अलग था. और उसके बाद हमने फ्लोट के साथ कंपेयर करवाया क्योंकि देखिए फ्लोट में ज़ीरो एंडिंग में है तो ऑब्वियसली इसका एवरेज सेम होगा. ठीक है,
तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको जेनेरिक्स का चीज़ें समझ में आ गया है, क्योंकि मैं जेनेरिक्स को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करिएगा, क्योंकि अगर आपको डाउट्स है तभी आप मतलब मैं उसको क्लियर करूँगा, या फिर कोई भी और जो इस फोरम में है या फिर कमेंट्स में, वो सब आपको आपका डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आपका डाउट्स रखते रहेंगे तो बाद में जो है कभी भी वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आपको, मैं फिर से बार बार कहता हूँ, कोई कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉल्व करने के 100% कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और बाकी ये पूरा जितना भी वीडियो आपने देखा है पसंद आया, तो आप नीचे लाइक बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कुछ कहूँगा नहीं। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखती रहनी तो आप ऊपर सब्सक्राइब के बटन है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं शुरू करूँगा कलेक्शंस के साथ। ओके गाइस, सी यू, बाय।